चलिए, आज की EIM क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं CRO, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का नाम है। इसमें आप सबसे पहले आपका है CRO है, फिर पढ़ना पड़ेगा आपको डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। देखिए, CRO का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। CRO जो है, CRO का फुल नेम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। फिर सुन लीजिए, CRO को हम क्या बोलते हैं, ये CRO, ठीक है, इसको बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसी क्या होता है, ये ऑसिलोस्कोप है जिसमें से क्या हमारी कैथोड में से क्या निकलती है, रेज निकलती है। रेज का मतलब हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड के द्वारा, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ेगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक। अब देखिए, इसके द्वारा ये क्या करते हैं, किसी भी फेज की वोल्टेज की जो है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, वोल्टेज को, करंट हो गया, इन सब की क्या करते हैं, हम वेव फॉर्म को हम चेक कर सकते हैं, वेव फॉर्म को हम स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि CRO एक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उस पर जो है एक डब्बे के आकार का खूब बड़ा सा होता है, देखा होगा आप लोग कभी मेजरमेंट की लैब में जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का जो होता है, ठीक, ऊपर जो है स्क्रीन लगी होती है, यहाँ पर जो है कुछ आपके बटन होती है जो इसको क्या करते हैं, ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्रीन थोड़ा सा होती है रेक्टेंगल फॉर्म में, जो है स्क्वायर फॉर्म में होती है। यहाँ पे कुछ आपके जो बटन होते हैं, और यहाँ पे क्या होती है आपके लिए लीड निकली होती है, ठीक है। लीड क्या कहते हैं, सप्लाई को देने के लिए यहाँ पे क्या होती है, आपकी लीड निकली होती है। अब ब्लैक बोर्ड में क्या होते हैं, आप जो है प्लग लगा गया इसको, हम लीड को ऑन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो भी हमको करंट देखना हुआ, वोल्ट की वेव फॉर्म को देखना हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की क्या होती है, स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। और स्क्रीन पे क्या है कि हम जो भी वेव फॉर्म को देखना होता है, हम उसको अप्लाई करके क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। इस पे क्या होती है, जैसे कि हमारा साइन वेव देखना हुआ, साइन वेव ये ऐसे करके इस पे दिखाता है। स्क्वायर वेव देखना हुआ, स्क्वायर वेव से ये स्क्वायर की वेव की फॉर्म बनती है, तो इस पर क्या होती है, शो करती है। बस इतना जानते रहिए कि इसमें क्या है कि हम तरंग को देखने के लिए हम CRO का यूज़ करते हैं। तरंग के मतलब वेव फॉर्म को देखने के लिए हम CRO का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर से हमने साइन वेव कहीं पे अप्लाई किया है तो वो साइन वेव एक्चुअल में है कि नहीं है, ठीक है। कहीं वो हमारी साइन वेव नीचे प्योर साइन वेव है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर वेव अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारी स्क्वायर वेव एक्चुअल में है कि नहीं है, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। इसका क्या हाथ हमारा बहुत ही महत्व है वेव फॉर्म को चेक करने का। इसमें देखिए, CRO वह इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी फेज के वोल्टेज को फ्रिक्वेंसी, पल्स, बीट, राइज टाइम, फॉल्ट टाइम तथा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। जो भी हमारी क्वांटिटी होगी उसको क्या करते हैं, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं, वेव फॉर्म की जो है, पीक वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, आदि को टेस्ट किया कर सकते हैं, ठीक है। पीक होगा PAA की पीक। देखिए, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम अलग डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं। अब देखिए क्या है कि ये हमारा CRO का ये है डायग्राम है, ठीक है। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है सेंड कर देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारा पिन लगी होती है, ठीक है, ये पिन लगी होगी, ठीक। पिन से क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं, जो भी हमको इनपुट देना हुआ वहाँ से इसको इनपुट कराते हैं। पिन के बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि हमारा हीटर लगा हुआ है, ठीक है।
हीटर है, हीटर क्या करता है हमारा हीट करने के लिए होता है ना, हीटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हम हीटर लगाते हैं, कोई भी हम कॉयल लगा दिया नाइक्रोम की क्या करें बहुत हीट करेगा। उसके बाद क्या कि हम यहाँ पे कैथोड लगाते हैं, कैथोड का हम प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि यहाँ से हमारे इमिट हो सके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए क्या है हम कैथोड को लगाते हैं, ठीक है। बस यारों में इतना जानिए कि हम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना है। इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के बाद हमको डिस्प्ले स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन को ले करके आना है, ठीक है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आता है बस इसी के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे मुख्य भाग होता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गन होता है, गन के मतलब सबको पता है बंदूक होता है। इलेक्ट्रॉन गन में आपका आएगा कैथोड आएगा, हीटर है, ठीक है, ग्रिड आएगा और आपका जो है एनोड आएगा, जो आपका प्री सेटिंग एनोड है, फोकसिंग एनोड है और एक्साइटिंग एनोड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ आके आपके इलेक्ट्रॉन गन के अंतर्गत आते हैं। गन का मतलब क्या होता है, बंदूक होता है, सब लोग जानते होंगे। ये आपका इंटरनल डायग्राम है, ठीक है। कैथोड को सीआरटी भी कहते हैं, सीआरटी मतलब क्या होता है, ट्यूब, ठीक है। ये पूरा जो होता है आपका एक ट्यूब के अंतर्गत होता है, जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, ये सब क्या होता है पूरा ट्यूब के, जैसे कि आप टीवी देखे होंगे ट्यूब होता है जिस पे आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ठीक है। ऐसे ये क्या होता है पूरा ट्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, कैथोड से निकलेंगे। हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कैथोड से निकले, ठीक है। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन हमारे गए ग्रिड पे, ठीक है। अब देखिए ग्रिड से क्या होता है कि ग्रिड पे हमारा यहाँ पे होल होगा, होल से क्या कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है होल के अंदर से वो पास करेंगे, ठीक है। इसलिए हम ग्रिड लगाते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे निकलें, एक करके यानी कि एक बैक हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, ठीक है। इस ग्रिड के अंदर क्या होता है, होल होता है, ठीक। अब कैथोड को हमें ऑपरेट करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 6.3 वोल्ट चाहिए, यानी कि 6.3 वोल्ट हम दे देंगे तो इस पे क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे बहुत ही कम वोल्टेज पे। उसके बाद क्या होता है हमारा प्री एक्सेलरेटिंग इनोड, प्री एक्सेलरेटिंग इनोड को हमारे जो है 1500 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये 1500 वोल्ट पे प्री एक्सेलरेटिंग इनोड का मतलब ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए इसको जब आप कितना देंगे, 1500 वोल्ट देंगे। जब 1500 वोल्ट देंगे तो क्या कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से कुछ गति प्रदान करेंगे, वो आगे क्यों बढ़ेंगे, वरना हमारे इलेक्ट्रॉन को गति नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम प्री एक्सेलरेटिंग एनोड को हम लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, फोकसिंग एनोड, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए वो एक जगह हमारे फोकस हो गया इधर उधर ना पाके, तो वहाँ उसके बाद क्या होता है हमारा फोकसिंग एनोड होता है, ये आपका है फोकसिंग एनोड, ठीक है। फोकसिंग के बाद क्या होता है, फिर हमारा एक्सेलेटिंग एनोड होता है कि हमारा त्वरित इलेक्ट्रोड होता है। एक्सेलेट के मतलब क्या होता है कि उसको गति प्रदान करना, उसको तरल उत्पन्न करना, उसको तरल प्रदान करना। जब भी त्वरित होगा तभी तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो हमारे आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। स्पीड कम हो जाती तो फिर से हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटिंग एनोड को लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन गति प्रदान कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो मेन पार्ट्स है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है जो है, ठीक है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होती है ये आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, ठीक है। वर्टिकल मतलब खड़ी, ठीक है, लेकिन ये हमारी जो स्थित होती है ये किस फॉर्म में होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, ये ऐसे इसी में से क्या है, इसी में से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये पास होते हैं, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो वो हमारे नीचे ऊपर ये ना भागें, यानी कि उधर नीचे ऊपर की ओर ना जाएँ, वो सीधे रेखा में जाएँ, इसलिए क्या होता है हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ये होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल इसका नाम है, लेकिन ये किस फॉर्म में होगी, ये आपके वर्टिकल फॉर्म में, ये आपके खड़ी खड़ी प्लेट होगी, एक इधर होगी और एक हमारी प्लेट क्या होगी, इधर होगी, ठीक है। और बीच से हमारे क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दाएँ बाएँ ना भागें, ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जाएंगे, ठीक है, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं होकर ना जाएं। जो हमारी वर्टिकल प्लेट है वो हमारी क्षैतिज रूप में होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल का तो क्या है हमारी क्षैतिज प्लेट, लेकिन ये क्या होती है हमारी ऊर्ध्वाधर होती है, वर्टिकल वो खड़ी हुई होती है, ठीक है। वर्टिकल मतलब क्या है, खड़ी हुई, और हॉरिजॉन्टल के मतलब
हाइड्रोजन के एक्चुअल में नहीं होती, वो बैठा हुआ, ठीक है, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे दाएं बाएं ना भागे, वो हमारे सीधी रेखा में चलें। इसलिए क्या है, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेशन डिफ्लेशन प्लेट का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ गया, देखिए इलेक्ट्रॉन बीम, बीम का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि बीम मतलब क्या है, कि एक सीधी रेखा में चलता है, यानी कि कई सारे जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सीधी रेखा में चल के आगे क्या होता है कि हमारी फास्फर की स्क्रीन होती है। फास्फर आपका जो है केमिकल मटेरियल होता है, ये क्या होता है हमारा स्क्रीन होता है, ठीक है। इसी पर जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो हमको वेव फॉर्म, हमको आउटपुट प्राप्त होता है, जो भी वेव फॉर्म होगी, तरंग होगा, वो हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो हमारी बात होगी कि इसकी पूरा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गन में कितने पार्ट्स होते हैं, हीटर होता है, कैथोड होता है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, फोकसिंग एनोड और फिर एक्सेलरेटिंग एनोड, इतने पार्ट्स हमारे कितने कहाँ होंगे, इतने पार्ट्स हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन गन के अंतर्गत होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अलग अलग भी बना के ले सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हीटर होता है, कैथोड होता है, गेट का क्या काम है बता चुके हैं, फोकसिंग एनोड का क्या काम है, वर्टिकल डिफ्लेशन प्लेट, ठीक है, फास्फर बना, इस पर आप स्क्रीन पे जो होता है जो फास्फर की कोटिंग होती है, ठीक है, देखिए यही चीज़ है, ठीक है। उसको हमने और सिंपल करके बना दिया है, ठीक, इसको भी आप यहाँ से भी आप जो है ये नोट्स पूरा हमने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, AUEDU क्लासेस के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको EIM की पूरी नोट्स मिल जाएगी, जितना सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उसकी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देखिए ये भी डायग्राम है, ठीक है, अलग अलग बुक में, अलग अलग किताबों में डायग्राम जो हम जो बनाए हैं, ये डायग्राम बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसको आप लोग उतार करके जो है बना लीजिएगा नोट्स पे, बहुत ही, तो इसको आपको लिखने में पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसका एक और सर्किट डायग्राम है, इसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ये बुक का है। देखिए CRT क्या होता है, ट्यूब होता है, यह महत्वपूर्ण भाग है, कैथोड को गर्म करने पर इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है उत्पन्न होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को फोकसिंग द्वारा टाइम लाइन पे बदल दिया जाता है। CRT में डिफ्लेक्शन प्लेट होती है हॉरिजॉन्टल, देखिए जो पढ़ाएं बिल्कुल सेम वही है, डिले लाइन होती है, ट्रिगर सर्किट या CRO पर प्रॉपर डिस्प्ले कराने हेतु हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट पर प्राप्त सिग्नल का सिंक्रोनाइजेशन करता है, ठीक है। इसको ऐसे भी आप ले सकते हैं पढ़ के, पावर सप्लाई क्या होती है, जो हम पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, हमारे स्क्रीन पर जाए। अब देखिए मेन पार्ट्स क्या, इसका एप्लीकेशन है, देखिए CRO का प्रयोग क्या कहते हैं, वोल्टेज मापन में किया जाता है, हम वोल्टेज को मेजर भी कर सकते हैं और इसको टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी के मापन में कर सकते हैं। CRO का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था और कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए भी हम करते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट उसकी भी हम टेस्टिंग करने करते हैं, हमारी एप्लीकेशन होगी, इसको एप्लीकेशन को आप याद कर लीजिएगा। CRO का प्रयोग किसी भी सिग्नल की वेवफॉर्म को स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं, किसी भी वेवफॉर्म का, तो चाहे वो आपका साइन वेव हो, ठीक है, चाहे वो साइन वेव हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेंगुलर फॉर्म में हो, इन सभी फॉर्म को, तरंग को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। साथ में इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी के मापन में करेंगे और वोल्टेज के मापन में भी हम करते हैं, ठीक है, ये याद रखिए कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये आपका CRO का पूरा टॉपिक आपका जो समाप्त हो गया। अब बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि, ठीक है, कि चैनल को क्या कीजिएगा, जितना हो सके जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको जितना हो सके जो है शेयर कर दीजिएगा, यही क्या है आपसे की रिक्वेस्ट है, ठीक है। और इस पर बेल आइकन होगा, घंटी होगी, घंटी का निशान जो है यहाँ पर बड़ा, आप लोग जो है इसको बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो है कोई भी वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। बेल आइकन दबाने के बाद उस पर आल पे होगा तो आप आल पे टिक जो है क्लिक कर दीजिएगा, बटन होगा आल पे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में।